हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आयुषी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आपके भी प्लांट्स बेमौसम बारिश से रूट रॉट होने लग जाते हैं या लीव्स येलोइश होने लग जाती हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि ओवर वाटरिंग से ज़्यादातर विनकास ख़राब हो जाते हैं, और प्लांट्स ओवर वाटरिंग से या बेमौसम बारिश से ख़राब होने लग जाते हैं, तो आप उसे भी कटिंग करके सेव कर सकते हैं, उससे न्यू प्लांट रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे भी कुछ प्लांट्स हैं जो ख़राब हो, सॉइल मॉइस्ट होने के बाद भी अगर आपके प्लांट्स इस तरीके से रॉट होने लग जाते हैं और लीव्स आपको पूरी येलोइश दिखाई देती है, लीव्स मुरझा जाते हैं, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो प्लांट्स है वो रॉटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जल्द से जल्द उसे कट करके हटा दीजिए, जिससे जो आपके हेल्दी प्लांट्स है वो ख़राब होने से बच जाएँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस प्लांट में मेरे कुछ स्टेम्स रॉट होने लग चुके हैं, तो मैं इसे कट करके अब हटा दूंगी। और जो रॉट हो चुके हैं उससे भी हम न्यू प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। पूरा पोर्शन रॉट हो चुका है, तो मैं इसे कट करके यहाँ से हटा रही हूँ ताकि पूरे जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो ख़राब ना हो। और ये जो आप प्लांट्स देख सकते हैं, इससे हम न्यू प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं। और ये सारे प्लांट्स जितने भी ख़राब हो गए हैं फ्रेंड्स, उसे आपको कट करके हटा देना है ताकि जो आपके हेल्दी प्लांट्स हैं वो अफेक्ट ना हो इससे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने स्टेम लिया है और इसे मैं नोड एरिया से कट कर रही हूँ, और इसे आप ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं। और आप चाहते हैं अगर कि ये जल्द से जल्द ग्रो हो जाए, तो इसके जो लीव्स हैं इसे आप हटा दीजिए, और जो इनकी जो बर्ड्स रहती हैं उसे भी आप हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने कम लीव्स रहेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी ये ग्रोथ होगी। जो कटिंग है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है लगने के लिए, और ये लगभग इतने बड़े कटिंग आप लगा सकते हैं, और जितने पतले से पतले आप कटिंग लगाएंगे वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो इसे भी मैं कट करके इसके लीव्स सारे हटा देती हूँ, और जितनी जल्दी आप लीव्स हटाएंगे और बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और उसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, ऐसे चार पांच कटिंग्स को जो भी आपके ख़राब हो चुके हैं स्टेम, उसे मैं कट करके यहाँ पे ग्रो कर दे रही हूँ ताकि ये एक न्यू प्लांट रेडी हो जाए। और यहाँ पे तीन कटिंग्स रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, जिसे मैं अभी ग्रो करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं सारी कटिंग्स को पॉली बैग में ग्रो करने वाली हूँ। चाहे आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं या पॉली बैग में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे दोनों में ही। और फ्रेंड्स, आप इस कटिंग को लेकर बगैर रूट हार्मोन के आप इसे ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो चाहे आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से सबको कटिंग को लगा दीजिए, और 10-15 डेज़ में सारे कटिंग्स ग्रो होने लग जाएंगे और आपको रूट्स भी नज़र आने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, रूट्स आने के बाद इसके सारे रिजल्ट्स मैं आपको जल्दी ही शो करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सारे कटिंग्स को ग्रो कर देना है, और थोड़ा सा पानी का शावरिंग कर देना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है आपको। जब इसकी सॉइल्स ड्राई हो जाए, थोड़ी सी ड्राई नज़र आए आपको, तभी आपको इसमें सॉइल में पानी ऐड करना है, अदरवाइज़ आपको पानी नहीं देना है। नहीं तो अभी इनमें रूट्स नहीं हैं, ये सारे रूट रॉट होने लग जाएंगे और स्टेम सारे ख़राब होने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सारे ख़राब कटिंग्स को भी आप नेसेसरी यूज़ कर सकते हैं, और
इससे आप न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। तो मैंने सारे कटिंग्स को इसमें ग्रो कर दिया है। अब इसे आपको शेडेड एरिया में शिफ्ट कर देना है, चाहे आप ग्रीन नेट के नीचे हो या फिर किसी बड़े पेड़ पौधे जहाँ पे रखे हो आपके प्लांट्स हो, वहाँ पर आपको इसे लगा कर रख देना है। जो भी आपके मदर प्लांट है विंकास के, उसमें भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। आप अगर ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके प्लांट्स में आप देख सकते हैं इसी तरीके से रूट रॉट होने लग जाएगा। और मैं फ्रेंड्स इसे ओपन टेरेस में रखी हूँ, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है तो विंका बारिश में भीग जाते हैं और इस तरीके से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, फंगस लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसे शेडेड एरिया में रखना है जहाँ पर बारिश का पानी इसे ना मिले और आपके भी प्लांट्स फिर ख़राब होने से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है और विंका को अच्छे से हम नेक्स्ट ईयर तक सेव इस तरीके से कर सकते हैं। और जो भी रूट रॉटिंग होता है आप उससे न्यू प्लांट इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे